करनाल की क्राइम ब्रांच व चाइल्ड वेलफेयर की बदौलत ग्रेटर नोएडा से लापता हुआ बच्चा 3.5 साल बाद अपने परिजनों तक पहुंच गया है। वहीं बाल संरक्षण समिति के चेयरमैन उमेश चानना ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे को क्राइम ब्रांच की टीम MCWC के सहयोग से उनके परिजनों से मिलवा दिया गया है, जिससे परिजन खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे माता पिता की मारपीट से तंग आकर कई बार घर से भाग जाते हैं। यहाँ उनके माता पिता से लिखवा लिया गया है कि वह भविष्य में बच्चे को नहीं मारेंगे। उसके बाद बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि CWC बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। बाल मजदूरी व अन्य बाल शोषण को रोकने के लिए भी CWC कड़े कदम उठाने जा रही है। पापा की मार से तंग आकर घर छोड़कर भाग गया था बच्चा, क्राइम ब्रांच व चाइल्ड वेलफेयर ने ढूंढा। वहीं खुशी से परिवार वाले और आकाश की आंखें नम हो गई। परिवार वालों ने क्राइम ब्रांच और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का धन्यवाद भी किया। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। ऐसा जी, ये बच्चा तकरीबन 3.5 साल पहले अपने घर से निकल गया था नोएडा से, तो उसके बाद इसको गुरुग्राम के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा गया था। वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद 1/1/2018 को ये करनाल आ गया था। करनाल MDD में रहा, उसके बाद हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन में रहा। जब हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन में था तो वहाँ से भी ये किसी कारण से भाग निकला और जा पहुँचा पंजाब में। पंजाब की राजपुरा CWC ने हमें बताया कि भाई ये बच्चा उनके पास है, तो हमने क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए कि वहाँ से बच्चे को लेके आए। जब वो वहाँ से बच्चे को लेके आए अभी कुछ ही दिन पहले, तो इसने जब अपना दादरी का बताया करतार नर्सरी, तो उन्होंने वहाँ दादरी में करतार नर्सरी पूछा। दादरी की टीम ने आगे बच्चे के घर को ढूंढ निकाला। बच्चे के घर को ढूंढ निकालने के बाद ये लोग लेने के लिए आए हुए हैं आज। तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं इनके परिजन, क्या कहना चाह रहे हैं? इनके परिजन के खुशी के मारे आंसू निकल आए कि भाई हमारा बच्चा मिल गया आज 3.5 साल बाद। कैसे संभव हो पाया ये? ये क्राइम ब्रांच और CWC के सम्मिलित प्रयास थे, उन्हीं से ये संभव हो पाया। सर, जैसे कि अभी इस बच्चे ने कहा कि इसकी मम्मी पापा इसको मारते थे, इस वजह से इसने घर छोड़ दिया, तो ऐसे में आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को कैसे बिहेव कैसे करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये थोड़ा सा मंदबुद्धि बच्चा है, इसलिए इसको ज़्यादा ठेस लग गई किसी कारण से और ये भाग निकला। मेरी सभी माता पिता से ये अपील है कि अपने बच्चों को प्यार से रखें, उनको मारें पीटें नहीं। अब भी वो इसके पिता ने ये लिख के दिया है कि मैं इसको मारूंगा पीटूंगा नहीं, तभी हम इसको वापस इसके पिता के पास भेज रहे हैं। थैंक यू सर। कहाँ पे काम करते हैं आप? मेरी नर्सरी है तुंगदादरी। कहाँ पे? उनका बोल नवेटा में। नवेटा में नर्सरी है मेरी। हाँ, तो ये बच्चा कितने दिन से काम कर रहा? बच्चा छोटे से ही मेरे पास, इसके पापा ही आए थे बचपन से ही, से कम 5-6 साल जो है मैंने पाला पोसा, उसके बाद जो है भाग गया था। इससे एक बार पहले और भाग गया था। अच्छा, फिर इसे ब्रांच में ही ढूंढ के हमें दिया था और फिर अब ब्रांच नहीं ढूंढ कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे ब्रांच के बारे ब्रांच में? के ये कहना चाहेंगे, हमें इतनी खुशी है यार, बहुत बहुत धन्यवाद है ब्रांच वालों का, बहुत अच्छा करा उन्होंने, हम खुश, हमारा बच्चा मिल गया। क्या नाम अपना? रमेश नाम है जी मेरा। तो ये बच्चा आपको मिलवाया है यहाँ पे CVC ने, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे बच्चे जो बहुत खुशी की बात है हमें, जो आप लोगों ने हमें पूरी टीम ने हमारे बच्चा दे दिया। कब गुम हुआ था ये? होगा जी 3.5 साल हो गए। कहाँ से? धौम दादरी से। अच्छा, तो आज कैसे सूचना मिली आपको? यहाँ सब इन्होंने फोन करा है, वहाँ को सूरज नेवाडा को, नेवाडा वालों ने करा है धौम को, धौम चौक चौके में को, चौकी वाले जो हमारे घर गए थे। अब आपका बच्चा मिल गया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा बच्चा मिल गया, बहुत धन्यवाद है पूरी टीम को जो इन्होंने हमारा बच्चा लाइक दे दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.